ये आकाशवाणी औरंगाबाद है। मुंतहा फारूकी से इलाकाई खबरें सुनिए। केरला के शबरीमाला अयप्पा मंदिर में किसी भी उम्र की खवातीन को दाखिला देने का फैसला अदालत उज़्मा ने किया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी बेंच ने कल ये फैसला दिया। फैसले में बेंच ने कहा कि शबरीमाला मंदिर में खवातीन को दाखिला न देना खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक और जिनसी अदम मसावात के मुतारादिफ है, नीज ये खवातीन के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि मंदिरों में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी मजहब की कोई लाजमी रिवायत नहीं है। अदालत उज़्मा के इस तारीखी फैसले के बाद इस मंदिर में 800 बरस से चली आ रही रिवायत खत्म हो जाएगी और मुल्क के तमाम मंदिरों में खवातीन के दाखिले की राह हमवार होगी। नक्सलाइट से मुबैना ताल्लुकात के शुबे में गिरफ्तार किए गए इंसानी हकूक के 5 कारकुनों के मामले में मदाखलत और भीमा कोरेगांव पुरतशद्दुद वाकयात की तहकीकात खसूसी टीम से करवाने के मुतालबे को अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दिया। मुंसिफ आला दीपक मिश्रा की जेर सदारत 6 रुकनी बेंच ने 2-1 के फर्क से ये दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए। इन 5 इंसानी हकूक कारकुनों की हिरासत में 4 हफ्तों तक तौसी करने का हुक्म भी अदालत ने दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला हंसराज आहिर ने कहा कि इस मामले में पुलिस दुरुस्त सिमत में तहकीकात कर रही है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी अदालत के इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि जिमन में पुलिस के पेशकरदा शवाहिद नक्सलाइट से ताल्लुक की निशानदेही करते हैं और मजीद शवाहिद पेश करके जेर हिरासत 5 मुलजमान को तहवील में ले लिया जाएगा। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले और मुआशरे में खलफिशार पैदा करने वाले अनासिर यकीनन नाकाम होंगे। वजीर आला ने पूना पुलिस के किरदार की सताइश भी की। रियासती हुकूमत की जानिब से मौसीकी के मैदान में हर बरस दिए जाने वाले लता मंगेशकर अवार्ड के लिए इस बार बुजुर्ग मौसीकार विजय पाटिल उर्फ राम लक्ष्मण के नाम का ऐलान किया गया है। सखाफती उमूर के वजीर विनोद तावड़े ने कल ये ऐलान किया। बहबूद अतफाल व खवातीन की ममलिकती वजीर विद्या ठाकुर ने कहा है कि मुखवी अग्जिया फराहमी मुहिम की कामयाबी के लिए इस मुहिम को तहरीक की शक्ल देना और इसमें अवामी शमूलियत जरूरी है। कल मुंबई में इस मुहिम के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नए भारत के क़याम के लिए भुखमरी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। बैनुल अक़वामी कंपनियों के जरिए ऑनलाइन खरीदो फरोख्त के खिलाफ ताजिरों की कुल हिंद तंजीम के मौलाना मुल्कगीर बंद का कल मिला जुला असर रहा। औरंगाबाद शहर और जिले के बेशतर अहम तिजारती मराकज और दुकानें बंद थीं। लातूर में भी ताजिरों ने दुकानें बंद रखकर खामोश जुलूस निकाला। अद्वियात की ऑनलाइन फरोख्त के खिलाफ अद्वियात फरोशों ने भी कल अलहदा बंद का ऐलान किया था। उस्मानाबाद में ये बंद पूरी तरह कामयाब रहा। मेडिकल स्टोर मालिकान ने वहां जिला कलेक्टर दफ्तर तक एक जुलूस निकाला और मुतालबाती महजर जिला कलेक्टर को पेश किया। नांदेड़ में अद्वियात फरोशों ने जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरना दिया। हमारे नामा निगारों ने बताया है कि जालना परभनी हिंगोली और दीगर अजला में ये बंद जुजवी तौर पर कामयाब रहा। भारत की टीम ने 7वीं बार एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। कल दुबई में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में इंतहाई सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत ने बांग्लादेश को मैच की आखिरी गेंद पर 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने भारत को जीत के लिए 223 रनों का हदफ दिया था जो 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर केदार जाधव ने बमुश्किल हासिल किया। बांग्लादेश की जानिब से सेंचुरी बनाने वाले लिटन दास को मैन ऑफ द मैच और भारत के शिखर धवन को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। परभनी में मेडिकल कॉलेज अस्पताल शुरू करने के लिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी ने कल जिले के सरकारी अस्पताल का दौरा किया। परभनी में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल शुरू करने के देरीना मुतालबे पर रियासती हुकूमत ने ये कमेटी तश्कील दी थी। 2 रोजा मुआयने के बाद ये कमेटी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। करोड़ों रूपयों की गाड़ियों के बदउनवानी के मामले में बीड़ आरटीओ के 2 अफसरान को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम राजेंद्र निकम और नीलेश भगूरे हैं। इसके अलावा एक आरटीओ एजेंट सैयद शाकिर को भी गिरफ्तार किया गया। इलाकाई खबरें खत्म हुईं।